आज सोया चावल बनाएंगे। सोया चावल बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, दालचीनी, लवंग, गरम मसाला, पलाव का पत्ता। सोया को ऐसा धो के बारीक काट लिया है। टमाटर, नारियल एक पाव चावल, ये एक पाव चावल के लिए मैं बना रही हूँ। अभी कुकर में 1 KV जितना ऑयल डाल रही हूँ। एक 2-3 चम्मच जितना घी, ऑयल और घी गरम हो गए। अभी इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, इलायची, लवंग, पलाव का पत्ता, अदरक, मिर्ची। ये 1 मिनट के लिए ऐसा फ्राई कर लेंगे। अभी सोया डाल रही हूँ। सोया 2 मिनट के लिए ऐसा इसी में ही भून लेना है, तभी उसका खुशबू अच्छा रहता है। 2 मिनट के लिए इसको ऐसा फ्राई कर लेंगे। अभी 2 मिनट हो गया है, देखिए सोया का कलर भी चेंज हो गया है। अभी इसमें टमाटर डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हल्दी डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा टमाटर नरम होने देंगे। देखिए सब अच्छा मिक्स हो गया है, टमाटर भी आधा पक गया है। अभी इसमें नारियल डाल रही हूँ। चावल धो के रखा था ना, 1 पाव चावल इसमें डाल रही हूँ। 1 पाव चावल के लिए 2 पाव पानी, पानी भी थोड़ा गर्म करके डालने से अच्छा रहेगा। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी इसको कुकर ढक करके 3 विशल लेने से सोया बात तैयार हो जाएगा। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। सोया बात रेडी।